असला जाके तो तुसा अंदर घुस आए हो, लोगों नु खौफा हिरास करें दे पे हो के लोग वोट ना पोल करे। नहीं दसो इमरान खान नाल पहले बड़ी ज्यादती कर के दी है तुसा। नहीं कीजी ना, नहीं देखो किसे ते खलो हो, पीछे खलो हो भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन जहां, हमारे चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब कहते हैं कि सब जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल है। वहां गुज़श्ता रोज मियांवाली में पीटीआई की एक कॉर्नर मीटिंग हो रही थी कि पुलिस ने इस कॉर्नर मीटिंग पर रेड कर दिया। फिर क्या हुआ, आए आप अपनी आंखों से देखें, फिर इस पर हम तफसील से बात करते हैं। आठ तारीख निकलो इंशाल्लाह सादे उस दे विच मतलब पोलिंग स्टेशन ते इलेक्शन कराओ। देखो गवर्नमेंट पाबंदी गवर्नमेंट इससे तो कोई पाबंदी नहीं, गवर्नमेंट असला चाउण तो पाबंदी लाई है। रेलवे की पाबंदी है, 144 दिन से जलसा ते नहीं थी, कॉर्नर मीटिंग हो रही है। चार दीवारी दे अंदर खलोते हुए आओ, बुनियादी तौर ते कोई आई नहीं हकूक के। चार दीवारी नहीं, ओपन प्लेस है, देखो ना ओपन प्लेस इथे करावणा है। लोग देखो ना अंदर सलाम है, ओपन प्लेस नहीं। लोग तो देखो भी लोग कितने खले, देखो बुनियादी तौर पे इलेक्शन का हक खसना है। बिल्कुल हर कहीं हक है, असल तो इलेक्शन लड़न दे, लेकिन गवर्नमेंट पाबंदी लगाई नहीं, पाबंदी लगाई गवर्नमेंट पाबंदी लगाई ऐसा लाइक को व्हाट्सएप कॉल पे अगर दो बंदे खेन के करेंदे ना, उन्हें आको सारी सहियां सानू ही पता नहीं। ठीक है इलेक्शन लड़ो, घबराओ नहीं, ठीक है इलेक्शन का टाइम, इलेक्शन गुजर बन रहा है, उन्हें ये थाई रावणा है। ये इन्विटेशन गो ये शुद्ध करो मोबाइल से, जनरल इलेक्शन इट इज लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। ड्यूरिंग जनरल इलेक्शन लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल गैदरिंग कॉर्नर मीटिंग इसी आर लाइकली टू बी हेल्ड, कॉर्नर मीटिंग हाँ जी आर लाइकली टू बी हेल्ड सर्व एज ए सॉफ्ट टारगेट फॉर एनी desperate act of terrorism and miscreant, theek hai kehda terrorist attack thinda pe the dasso itthe naal DA khan hamla hoya hai, nahi utthe hoya hai na, itthe pakistan da hissa hai na, PTI bordering area meeting hai, threat ho gaya hai, bordering area hai, bordering area hai, kal PTI de candidate de rally te hamla hoya lucky de par notice hai kal jithe lucky hoya na punjab bordering area hai na, imran khan da zila hai, imran khan da zila hai, imran khan nal pehle badi jaati kar ke di hai, tusan nahi kiji na, nahi dekho kise te keh rahe ho, notification pad lo, jaati karwene nu samne nahi aane, unne vaada hona na, dekhe aala karna bano, election lo, notification ke notification apply nahi karenda, oh aade pe law and order situation pad lo, dobara pad lo, bilkul pad ke da sara apply kar ke da, tusan je na pad lo sir ji, tusan ne yaad rokdi di meeting roko, corner agar mere area jo bhi mein roko मेरी ये चौथी नहीं जरूर रुके तो कल करे सो ना कॉर्नर मीटिंग का गाली गई थी तेरे पंप के किसी के कल थे पता चले समय थे क्या लिखा हुआ कल जमा यो दसले समय लिखा हुआ है अली हैदर नूर कल थे नूर मैं रहया मैं प्रोवेंट कॉलोनी एक्शन कल थे मैं रहया कैरिंग आर्म्स लिखा हुआ है इथे किस असला चाहे असला चाहे तो तू अंदर घुस आए हो लोगों को खौफ हिरास करें दे पे हो के लोग वोट ना पोल करे नहीं दसो चार सही इतना पे इतने किसी असला चाहे हुए देखो
ਆਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੋ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰੇਂਦਾ ਪਿਆ ਉਤੋਂ ਵੀ ਪੜ ਲਓ ਨਾ ਲਾਇਆ ਸਰ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਤੋਂ ਹੀ ਪੜ ਲਓ ਨਾ ਸਾਰਾ ਪੜਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕ ਕਰਾ ਕੇ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਪਰੇਟ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਕਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਅੱਛਾ ਅਸਾਂ ਅੱਗੂ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੂ ਆ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੋਟਲ 20-30 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅੱਗੂ ਲੱਗੇ ਤਰਾਏ ਚਾਰ ਗੱਡੀਆਂ 20-30 ਖੜੇ बिल्कुल बंगन स्टेट मेरी गल सुनो हमले आपने देखा कि पीटीआई को कॉर्नर मीटिंग तक करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। पुलिस की जानिब से एक नोटिफिकेशन दिखाया गया जिसमें दफ़ा 144 लगाई गई है, जो कि इलेक्शन अनाउंस हो जाए तो फिर दफ़ा 144 नहीं लगती, मगर ये दफ़ा 144 भी चार मखसूस लोगों के लिए लगाई गई है, जिसको बेस बनाकर पीटीआई की कॉर्नर मीटिंग को रोक दिया गया। इस दफ़ा 144 में चार लोगों पर पाबंदी थी, नंबर एक असला नहीं उठा सकते, फायरिंग नहीं कर सकते, किसी किस्म की आतिशबाजी पर पाबंदी है, मगर पीटीआई की कॉर्नर मीटिंग में इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो रही थी। मियां वैली के उम्मीदवार ने पुलिस से कहा कि असला तो आप उठाकर आए हैं और आवाम में खौफ व आरास फैला रहे हैं ताकि लोग डर जाएं और वोट ही कास्ट ना करें और बाहर ही ना निकलें। हमारे तमाम कारगुनान बिल्कुल पुरअमन हैं और पुरअमन तरीके से कॉर्नर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। ये नोटिफिकेशन क्या सिर्फ़ और सिर्फ पीटीआई पर ही अप्लाई होता है, क्योंकि नून लीग बड़े बड़े जलसे कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बड़े बड़े जलसे करती है, उन पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं, मगर पीटीआई छोटी सी कॉर्नर मीटिंग करती है तो आप लोग कौन चाहते हैं? मियां वाली के उम्मीदवार ने पुलिस से कहा कि आप जाएं और उनसे कहें कि अब तो इलेक्शन आ गया है, अब घबराते किस लिए हैं, बाहर निकलें और इलेक्शन लड़ें। मगर नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि वो घबराते इसलिए हैं क्योंकि अवाम सारी की सारी पीटीआई के साथ खड़ी है, जबकि नून लीग के साथ सिर्फ़ और सिर्फ इदारे खड़े हैं। अब मुकाबला अवाम और इदारों के दरमियान है। 8 फरवरी को देखना है कि इदारे जीतते हैं या कि पीटीआई। नाज़रीन आपका इस बारे में क्या कहना है, आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।